हेलो गाइस, तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अभी रूम से। तो ये है अपना रूम, कपड़े सूख रहे हैं और आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे मार्केट, फिर और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी मैं रूम के नीचे आ गया हूँ और ये आप देखिए बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर अपना रूम है। तो गाइज मैं थोड़ा ऊपर आया और ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो भीग जाएंगे, इसीलिए नाइटी पहन लिया। और अभी आप जो मेरे पीछे वो मैदान देख रहे हो, तो इस मैदान में जाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर मार्केट जाएंगे। पहले मार्केट जाना था लेकिन अब थोड़ा बारिश का जो माहौल बन रहा है तो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे घूमते, अगर बारिश नहीं होता तो फिर जाएंगे और हो गया तो फिर कैंसिल करेंगे। तो मैं अभी जो ये मैदान है वहाँ पे जाऊँगा। तो अभी मैं आ गया मैदान के पास, तो यहाँ सामने ही मैदान, यहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे इस तरफ और आगे की तरफ जो बड़े हैं वो खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मौसम अच्छा है और बारिश की वजह से पूरा हरा भरा है। तो अभी हम भी अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे है मैदान, ये जो आप देखिए, और ये जो मैदान के सामने बिल्डिंग देख रहे हो इसके अंदर मेरा रूम है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए बड़े हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और इस बिल्डिंगों के बीच में बड़ा सा खुला मैदान है बच्चों के खेलने के लिए, अच्छा लोकेशन है। और अभी मैं ये जो पेड़ है यहाँ पे बैठने की जगह है, सभी भी यहाँ पे आके बैठते हैं टाइम पास के लिए धूप में, मैं भी यहीं पे आऊँगा और यहाँ पे जाके अभी बैठूँगा थोड़ी देर के टाइम पास के लिए। फिलहाल बारिश बंद है लेकिन अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, सुकून सा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सभी जो लोग यहाँ पर खेलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं टाइम पास के लिए बैठे हैं, कोई खेलने के लिए आए हैं। ये जो गेंद है मेरे पास आई अभी, और बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं फिर मैं मार्केट में जाऊँगा, वहाँ देखेंगे, बाज़ार में घूमेंगे, आज संडे है। थोड़ा लेट हो गया लेकिन मैं अभी जाऊँगा मार्केट घूमने के लिए, शाम का टाइम है। मैं फिर रूम पे चला गया था वहाँ मैदान से और थोड़ा सो गया था, अभी शाम का टाइम है तो अभी हम जाएंगे मार्केट। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये है इस्नापुर, हैदराबाद के 30 किलोमीटर दूर इस्नापुर, और यहाँ की आपको सिटी बताएंगे। वैसे है तो गांव लेकिन सिटी से कम नहीं है, तो बताएंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ की एक खास बात है कि शाम के टाइम पे जितनी भीड़ ठेके पे होती है उतनी भीड़ और कहीं पे नहीं होती। तो यहाँ दारू खुले हम पीते लोग। तो ये है इस्नापुर, मेन सिटी तो आगे है लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो दुकानें स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हर प्रकार की दुकान है, ज़रूरत की सभी चीज़ें जो कि मिल जाती आसानी से। बाकी जितना राजस्थान के अंदर आपको खाने की जो आइटम मिलती हैं उतनी यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, तो राजस्थान वालों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बाकी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, पर बहुत ही कम जगह पे। काफ़ी शाम को काफ़ी भीड़ है क्योंकि जो वर्कर है वो शाम के टाइम वापस अपने घर रूम पे लौट रहे होते हैं, तो रोड पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। मुझे YouTube पर वीडियो बनाने के लिए एक रिंग स्टैंड आता है, मोबाइल लगाने का रिंग लाइट होती है और रिंग लाइट स्टैंड आता है, वो लेना है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, बहुत सारे स्टैंड हैं और मोबाइल का शॉप भी है, एसेसरी का शॉप भी है, मोबाइल एसेसरी का शॉप भी है, लेकिन अभी तक मुझे वो जो रिंग लाइट वाला स्टैंड आता है मोबाइल का वो नहीं मिला। बहुत जगह पूछा लेकिन सब बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, बहुत सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम भी हैं, लेकिन मोबाइल का जो स्टैंड आता है वो नहीं मिला। आगे और देखता हूँ थोड़ी देर, मिल जाए तो ठीक है।
नहीं तो फिर यहाँ से दूर थोड़ा हैदराबाद की तरफ जाएंगे और वहाँ से स्टैंड लाएंगे। तो यार पैदल चलते चलते काफ़ी दूर आ गया, ये जो हैदराबाद जा रहा है वो मेन रोड, वहाँ पे आ चुका हूँ और काफ़ी दूर है मेरे रूम से। तो अभी तक मेरे को स्टैंड नहीं मिला और काफ़ी दूर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आसपास थोड़ी दुकानें वहाँ देख ले, फिर वापस रूम के लिए जाऊँगा। तो यहाँ से जो बसें हैं वो हैदराबाद जाती, मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो ये जो आप पुलिया देख रहे हो जो लोगों को सर्विस के लिए है, यहाँ इसके नीचे यहाँ पे उतरा था। तो यार मेरे को यहाँ पे स्टैंड कहीं नहीं मिला, ये जो मेन रोड है इस पर भी काफ़ी सारी दुकान है, वहाँ पे भी पूछा लेकिन नहीं है। तो अभी मैं वापस रूम पे जाऊँगा, काफ़ी लेट हो गया यार। पूरी मार्केट में घूम गया लेकिन मेरे को स्टैंड अभी तक कहीं नहीं मिला। अभी यहाँ से दुकान से आटा घी और दाल ले लिया, अभी मैं जाऊँगा रूम पे। तो फाइनली अभी मैं रूम पे आ गया हूँ और आते समय मैं लेके आया आशीर्वाद आटा और घी और दाल, और अभी थोड़ी देर में खाना बनाएंगे। तो मार्केट में काफ़ी घूमा, टाइम पास हुआ लेकिन जिस चीज़ के लिए गया था वो नहीं मिला, स्टैंड नहीं मिला। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।